जेल में जाते थे तो हमारे लोग कहते थे कि ये हिंदू के पिट्ठू हैं, ये जेल जा रहे हैं। जब महात्मा जाते थे, नेहरू जाते थे, तो उनके गलों के अंदर हार डाला जाता था। इन हालात के अंदर जमीयत उलमा अपने स्टैंड से एक इंच पीछे नहीं हटी। हमने अपनों की फिरका परस्ती का मुकाबला किया, मुसलमानों की फिरका परस्ती का मुकाबला किया, हम बीजेपी और आरएसएस की भी फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो, मौलाना अरशद मदनी आगे बढ़ो। लेकिन फिरका परस्ती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरी एक तकरीर है, मैं आपके सामने एक तकरीर कर रहा हूं, आप उठें और चले जाएं, आप फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। फिरका परस्ती का अगर आपको मुकाबला करना है तो मदरसे मदरसे मुकाबला करना होगा, एक एक फर्द को मुकाबला करना होगा। वो दिलों को तोड़ते हैं, आप में से हर फर्द को दिलों को जोड़ना होगा। वो नफरत पैदा करते हैं, आपको नफरत की जगह मोहब्बत पैदा करनी होगी। वो इस तरह नहीं होगी। मैंने अरबाब मदारिस को देवबंद में भी कहा था और 1 लाख से जायद का मजमा था। मैंने उनके सामने, पूरे मुल्क से जमीयत उलमा के मिंबर आए हुए थे, मैंने कहा था कि अपने मदरसों के अंदर जो भी प्रोग्राम हो, मुल्क की सतह के ऊपर 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, या आपके सालाना जलसे हो, आप उनको बुलाइए। वो लोग जो प्यार और मोहब्बत रखते हैं, बाइज्जत हैं, आप उनको दावत दीजिए। हिंदुओं को दावत दीजिए, सिखों को दावत दीजिए, क्रिश्चियन लोगों को दावत दीजिए। आप ये बताइए कि आप कुरान और हदीस के किस पैगाम को पढ़ाते हैं। आप ये बताइए कि आप मदरसों में किस तरह रहते हैं। आप दिखलाइए कि मदरसों में तलबा को क्या दिया जाता है। मेरे भाई, वो लोग जो दिलों को तोड़ना चाहते हैं, सारी दुनिया अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मुसलमान के मजहब, कुरान, हदीस गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। दुनिया ये समझती है कि ये प्रोपेगेंडा सही है। उन्हें ये बताया जाता है कि ये कत्ल और किताल सिखलाते हैं, ये मार धाड़ सिखलाते हैं, ये हिंदू को मारना और कत्ल करना सिखलाते हैं। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। फिजा मुकद्दर होती रही, बर्बाद होती रही, उनका प्रोपेगेंडा कामयाब होता रहा, लेकिन आपने आज तक उनके प्रोपेगेंडे को नाकाम करने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे भाई, आप उनको बुलाइए, उनके साथ दुख में शरीक होजिए, उनके सुख में शरीक होजिए, आप उनको अपने दुख सुख में शरीक कीजिए, अपनी शादी और ब्याहों के अंदर बुलाइए, उनके साथ बैठिए। ये काम जमातों का नहीं है। मैं कहता हूं, एक एक फर्द को अपनी जिंदगी और कौम की जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बराबर में हिंदू की दुकान है, हमारे बराबर में हिंदू का घर है, हमारे बराबर में क्रिश्चियन का घर है। हमें सालों ये पता भी नहीं रहता कि इसके घर में कितने बच्चे हैं और ये क्या करता है, कहां जाता है। न वो हमसे पूछते हैं, न हम उनसे पूछते हैं। मेरे भाई, इस्लाम की ये तालीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको अपने पड़ोसी का, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, आपको उसके साथ रहना चाहिए, प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए, दुख दर्द में शरीक रहना चाहिए। मुसलमान ये नहीं कर रहा है। उसका अंजाम यह है कि आज मुल्क आग के ढेर के ऊपर खड़ा हुआ है।
ये काम तन्हा जमीयत उलमा का नहीं है, ये काम हर फर्द का है। अगर हर फर्द नहीं करेगा, याद रखो, नहीं करोगे, आने वाले दिनों में सारी दुनिया के फिरका परस्त मिलकर तुम्हें मिटाएंगे। किस तरह जिंदगी गुजरेगी, किस तरह कारोबार करोगे, किस तरह रहोगे? फिर इसी के अंदर मार धाड़ होगी और कत्लो किताल होगा और मुल्क तबाह और बर्बाद होगा। मेरे भाई, कोई इस आवाज को नहीं उठा रहा था, जमीयत उलमा ने उठाया और जमीयत उलमा का ये किरदार हमेशा रहा है। हमने मुकदमात आसाम के अंदर लड़े, उन लोगों के मुकदमात जिनको डी वोटर लिस्ट के अंदर रखकर वोट के हक से महरूम कर दिया गया, हमने उनके भी मुकदमात लड़े जो हिंदू थे, हमने उनके भी मुकदमात लड़े जो मुसलमान थे, दोनों के मुकदमात लड़े। और ये अल्लाह का फजल है कि हमने जितने मुकदमात लड़े हैं, तकरीबन 700 मुकदमात, उनके अंदर से सिर्फ 14 मुकदमे ऐसे हैं कि जिनमें हमें नाकामी हुई, यानी उनको दूसरी अदालत की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। हर जगह हमें कामयाबी हुई है। तकरीबन 350 हिंदू ऐसे हैं कि जिनके बच्चों को, जिनकी बच्चियों को, जिनके जवानों को, जिनके बूढ़ों को हमने जेलों से 3-3, 4-4 साल रहने के बाद निकाला और आजाद कर दिया। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये किरदार है। आपके महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों के मुकदमात जमीयत उलमा ने लड़े हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के इल्जाम में मुसलमान ही नहीं है, मुसलमानों के साथ हिंदू थे, उनके मुकदमात भी लड़े गए हैं। किसी से न आसाम में कोई पैसा लिया गया, न महाराष्ट्र में कोई पैसा लिया गया है। जिन बच्चों को तालीम के लिए वजीफा दिया जाता है जमीयत उलमाए महाराष्ट्र से, मुसलमान बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, सबको देते हैं, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। हम जो मदद करते हैं इंसानियत की बुनियाद पर करते हैं। अभी 4 साल पहले कलकत्ते के अंदर बंगाल में समंदरी तूफान आ गया और हजारों किलोमीटर का रकबा तहस नहस हो करके रह गया। हम वहां काम करने के लिए गए, हमारे एक एक कैंप के अंदर सुबह को 2700 आदमी और शाम को 2700 आदमी खाना खाते थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हमने कोई तफरीक नहीं की। अभी अभी बोड़ू लोगों ने हिंदुओं का, जो कबायली लोग थे, उनका कत्ल कर दिया। तकरीबन 200 के करीब लोग कत्ल हो गए कैंपों के अंदर पड़े हुए, 2500 आदमी कैंपों के अंदर है। मैंने कहा जाओ, सर्दी का जमाना है और कंबल और दूसरी जरूरतों की चीजें जाकर तकसीम करो। हमने लाखों रुपये का सरमाया वहां लगा दिया। ये हमारी जिंदगी है जमीयत उलमा की। जमीयत उलमा एक मजहबी जमात है। हम हर मुसीबत जदा की इमदाद करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये हमारा किरदार है। मेरे भाई, हम इसी बुनियाद पर ये हक रखते हैं कि हम ये कहें कि क्या कर रहे हो, मुल्क को किधर लेकर जा रहे हो। इख्तदार हमेशा नहीं रहता, ये इख्तदार जिसका हमेशा इख्तदार रहता है वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर कम्युनिस्टों का इख्तदार रूस के अंदर टूट चुका है, अगर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें, रूम और फारिस की हुकूमतें मिट चुकी हैं, जुल्म करने वाला मिटता रहा है और मिटता रहेगा। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, जुल्म ना इंसाफी मुर्दाबाद, जुल्म ना इंसाफी मुर्दाबाद। अगर मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम किया जाएगा, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाएगा, हमारा मानना यह है कि मुल्क चलेगा, नहीं तो मुल्क नहीं चलेगा। आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का रुख चल रहा है। आपने देखा
कि फ्रांस के अंदर एक वाकया हो गया, उस वाकये के अंदर हम उसकी मजम्मत करते हैं और उससे बेदारी का इजहार करते हैं। कत्ल क़िताल, मारना और कत्ल कर देना दुनिया के अंदर अमन अमान को आग लगाने वाली चीज है, हम उसकी ताईद नहीं करते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, आजादी का ये मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि मुंह में कोई लगाम ना हो, जिसको जो जी चाहे कह दो, नहीं हो सकती ये बात। आजादी का ये मतलब गलत है, गलत है, गलत है। एक दो आदमी नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाख दो लाख नहीं, सैकड़ों करोड़ की आबादी को आप ये कह दें कि हमें आजादी है, हम जिसको जो जी चाहे कहें, ये तसव्वुर गलत है। दुनिया जिस रुख की तरफ चल रही है वो रुख गलत है। इससे आगे बढ़ करके वो लोग जो दुनिया के लिए मुसीबत बन जाते हैं, मुल्क और कौमें उनको तहफ्फुज देती हैं, हम इसके खिलाफ हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ उसी तहफ्फुज देने के नतीजे में हुआ, हिंदुस्तान भी उसी तरह खड़ा है। तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान ने तहफ्फुज दिया है। हम ये समझते हैं कि अगर बुरा कहो दोनों को कहो, एक को बुरा कहो कि इन्होंने मार दिया, ये सवाल पैदा होता क्यों मार दिया, ये पागल थे, मजनून थे, दीवाने थे, क्यों मार दिया, कोई ना कोई सबब तो है, उस सबब के ऊपर भी कदगन लगनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि आज अभी चैनल के ऊपर चल रहा है फ्रांस के पोप का बयान और उलमा का बयान, और वो कह रहे हैं कि आजादी का ये तसव्वुर कि आदमी अपनी जबान से जिस मजहब का चाहे मजाक उड़ाए और जिस मजहब को जो जी चाहे कहे, आजादी का ये तसव्वुर नाकाबिले कबूल है। मैं इस बात को बड़ी कद्र की नजर से देखता हूं कि एक ऐसा आदमी यूरोप का जिसकी बुजुर्गी और बड़ाई मुसल्लम है, वो एक रास्ता दे रहा है कि जम्हूरियत का असल मफहूम क्या है। मैं इस बात को बहुत अच्छा समझता हूं कि इंग्लैंड के अंदर आपके ने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, इस वाकये के बाद जगह जगह गवर्नमेंट की बसों के पीछे इस्लाम के लिए अच्छे कलिमात अंग्रेजी के अंदर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो तन्हा मेरी बात नहीं है, बल्कि दुनिया उस तरफ चल रही है कि अगर प्यार और मोहब्बत की इस कड़ी को तोड़ोगे और मजहब पर गलत बयानी से काम लोगे तो मुल्क के अमन अमान को, बल्कि दुनिया के अमन अमान को कायम नहीं रह सकते। ये एक हकीकत है और जो बात हम कहते थे वो हकीकत बनकर सामने आ रही है। मेरे भाई, जमीयत उलमा आपकी जमात है, जमीयत उलमा काम करती है और हम काम कर रहे हैं, हमारा एक पैगाम है और वो पैगाम यही है। आप ये न समझें कि हम यहां जलसे के लिए जमा हुए और हमने आपको बुलाया, तकरीरें की और हम चले गए, नहीं। मैं आप में से एक एक फर्द से कहता हूं, आप सफर में हो या हजर में हो, मदरसे में हो या अपनी तिजारत की जगह हो, हर आदमी अपनी जिंदगी को इस तरह लेकर चले कि बिरादरान वतन के साथ, चाहे वो कोई हो, प्यार और मोहब्बत का मामला करे। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये इंसान मुसीबत का शिकार है, चाहे उसका मजहब कुछ हो, आगे बढ़िए, उसके हाथ को पकड़िए, उसके सर पर हाथ रखिए, अगर यतीम है तो अपने बच्चों की तरह परवरिश कीजिए, यही दुनिया में जीने का तरीका है। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं मुसलमान से भी कहता हूं और हिंदू से भी कहता हूं,
अगर इस रिश्ते को नहीं जोड़ोगे, याद रखो आने वाले दिन किधर चल रहे हैं और नविश्ते दीवार क्या है, क्या लिखा हुआ, कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। मेरे भाई ये एक हकीकत है, इस प्रोग्राम को आप हर जगह चलाइए, अपने देहातों में चलाइए, अपने शहरों में चलाइए, अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के चलिए और इसके ऊपर काम कीजिए। हमने इसके लिए काम शुरू किया है और हमने हर जगह इस काम को फैलाने का पूरा अज़्म मुसम्मम किया है। कोई सियासी मसला नहीं है, मसला यह है कि मुल्क जिंदा किस तरह से रहेगा। आप मुझे बताइए कि मैं जो बात कह रहा हूं आप उसका अहदो पैमान करते हैं अपनी जिंदगी में या नहीं करते। इंशाअल्लाह अगर करते हैं तो इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए। ये जो आग उठ रही है इसका मुकाबला इसी तरह से होगा। ये कमजोरी नहीं है, मैं कहता हूं अगर जंगो जिदाल होगा, मरने वाले मरेंगे, अकलियत के भी मरेंगे, अक्सरियत के, मगर होगा क्या। फिर आप इसके एक दूसरे पहलू को देखिए, लोग कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आग तुम जला रहे हो। फिर फिरकापरस्त तबका, हमारे मजहब पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन मैं मुसलमान को कहता हूं सब्र और सुकून से काम करें। आग लगेगी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, सब्र और सुकून से काम लो। सही है, रसूलुल्लाह की जिंदगी, हमारा ईमान और अकीदा है कि वो खुदा के बाद सबसे बुलंद तर शख्सियत है। लेकिन आप याद रखिए, अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह नहीं मानता, वो किसी दूसरे मजहब का मानने वाला है, क्या आप उसको पाबंद बना सकते हैं कि वो अपने दिल में उनका वही एहतराम रखे जो एहतराम मेरे और आपके दिल में है? आप नहीं बना सकते। रसूलुल्लाह की जिंदगी में आपके सामने इब्ने सय्याद या इब्ने साइद, हदीस के अंदर जिक्र आता है, वो आपको जवाब देता रहा, आपकी रिसालत का इनकार करता रहा। रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं किया। उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन का, फरमाया नहीं। कुरान की आयात बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मीटिंग में यहूदियों के साथ बैठे थे। यहूदियों ने प्रोग्राम बनाया कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आप पर गिरा के खत्म कर दें। फरमाते हैं रसूलुल्लाह जरा सा हट गए, पत्थर आया, आप बच गए। कहीं हदीस या कुरान में नहीं आपने उन्हें कत्ल कर दिया हो, बुरा भला का कुछ नहीं। जब कभी ना हो सका, रसूलुल्लाह पर जादू कर दिया गया, आपको अल्लाह ने बताया फला कुएं में फला जगह आपके बाल और आपके नाखून वगैरह दफन है, उनको निकालिए, जादू खत्म। आप तशरीफ ले गए, हदीस में नाम भी आता है कि जादूगर था कौन, लबीद इब्ने असम। अल्लाह के नबी ने निकाला, आप ठीक हो गए, कभी कुछ नहीं फरमाया। फिर खैबर के अंदर रसूलुल्लाह को जहर दे दिया गया, आपने लगाया, खबर दे दी गई, थूक दिया। आपने जहर देने वाली औरत को बुलाया, क्यों किया, कहा इसलिए किया अगर सच्चे नबी हो अल्लाह बता देगा, अगर झूठे नबी हो तो हमारे ऊपर जो मुसीबत है वो टल जाएगी। आपने कुछ नहीं फरमाया। हाँ, जब उस जहर के नतीजे में एक सहाबी ने खा लिया उनका और वो मर गए, तो फिर अल्लाह के नबी ने
कातिल को कत्ल की सजा कत्ल दी और उसको कत्ल किया, वरना जहर मिलाने और रसूलुल्लाह को देने पर कत्ल नहीं हुआ। मुसलमान को सब्र से काम लेना चाहिए। मैं ये नतीजा नहीं हूं, मैं आपसे ये बात कहता हूं, जमीयत उलमाए हिंद इस पर कायम है हमेशा से। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई आज से तकरीबन 65 साल पहले, जमीयत उलमा सन 51 के अंदर सबसे पहले अदालत में गई। उसने इस मसले को गली कूचों में नहीं रखा कि मुसलमान और हिंदू की लड़ाई हो और तबाही हो बर्बादी हो, नहीं। जब हमारे मुल्क का एक निजाम है, कानून है, कोर्ट है, अदलिया है, हम हर जुल्म को लेकर वहां पहुंचेंगे। और हमें तवक्को है लोअर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट में मिलेगा, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। मिल रहा है इंसाफ? हम उनको जिनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम है कोर्ट में जाते हैं और बिल्कुल धुले हुए, सही है 10 साल गुजर जाएं, 12 साल गुजर जाएं, मगर अदल और इंसाफ हमें मिलता है, हमें मिलेगा अदल और इंसाफ। जो लोग इस तरह से मुसलमान को परेशान करना चाहते हैं, इन कार्टूनों के ऊपर मुसलमान जितना उछलेगा कूदेगा एहतजाज करेगा, याद रखो ये बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। दुनिया जानेगी कि मुसलमान को जख्म पहुंचाने की एक सूरत यह भी है। क्यों नुकसान करते हो? तुम्हें एहतजाज का हक हासिल है, एहतजाज करो। तुम मजलूम हो, मैं कहता हूं मजलूम हो, और तुम्हारी ये मजलूमियत अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबब बनेगी। देखो कोई शख्स भी अगर इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालता है, मुसलमान बर्दाश्त ही करेगा, उन पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। अगर फ्रांस के अंदर कोई ईसाई कीचड़ उछाल रहा है, कौन बताओ मुझे, क्या तुम खुदा न खास्ता हजरत ईसा पर कीचड़ उछाल सकते हो? मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। हम उनके नबी को अपने नबी की तरह, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा, उनके जूतों को अपने सर और आंखों पर रखना बाईस से सआदत समझते हैं। हम नहीं कह सकते हुँ।